हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैंने ये छोले भिगो दिए थे रात को ही, और अभी मैं उबाल के आई हूँ नीचे। अब नीचे की साफ़ सफाई होगी। तो आप सब जानते ही हैं, आज मेहमान आने वाले हैं भिल्ली लेके। आप सब ने कमेंट भी किया है कि लड़की की भिल्ली कौन देता है, तो भिल्ली आ जाएगी। और अभी हम सब नीचे लगे हुए हैं। नीचे का सारा काम पड़ा हुआ था, साफ़ सफाई का, झाड़ू भी लगेगी अभी। तो झाड़ू तो आज लगाई नहीं, अब डायरेक्ट धो ही लेंगे क्योंकि अभी लाइट भी आ जाएगी। और मैंने कुछ तो गिल्ला कर भी रखा है, चौक में टैंक में लगा लिया था पाइप। तब तक थोड़ा सा टैंक में से पानी लेके धुल जाएगा, तब तक लाइट भी आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे टीन में साफ़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। गोबर भी नहीं उठा आज क्योंकि बुग्गी नहीं थी यहाँ पे, ट्रॉली कहीं गन्ने भरे हैं उसमें, तो वो शायद खेत में है, जब आएगी तभी भरा जाएगा गोबर। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे इसको एक जगह कर देते हैं। दो जगह कर दिया हमने, उधर भी इधर भी। इससे ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा जब बुग्गी आ जाएगी चौक में गोबर भरने में। तो वो सारा हमने एक जगह कर दिया, और ये जो इधर गोबर था ये मैंने तसले में भर दिया है। और अभी यहाँ पे भी धुलेगा जब लाइट आ जाएगी, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई, 9 बजे ही आती है। तो अभी तब तक हमने टैंक से धो लिया इधर, और यहाँ पर रगड़ भी लिया है, तो थोड़े से पानी से ही अब काम हो जाएगा। तब तक लाइट आ ही जाएगी। और यहाँ पे ना ब्रश से साफ़ किया है और सीख की झाड़ू से, तब जाके साफ़ हुआ, क्योंकि इधर भी ये बछिया आ जाती है तो गोबर ही गोबर रहता है यहाँ पे भी। अब मैंने कितने दिनों बाद धुला है आज, बहुत ही गंदा हो रहा था। मुझे कल सोची थी मैं धोने को, पर कल मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलिए अब सवेरे सवेरे धो लेते हैं, मेहमान तो अभी थोड़ा लेट आएंगे, तब तक तो हमारा सारा काम हो जाएगा यहाँ का। बच्चों की भी छुट्टी है, वो भी मदद करा रहे हैं। जिया अभी काई छुटा रही थी चौकी के, वहाँ से कह रही थी कि मम्मी मैं यहाँ पे रगड़ देती हूँ। मैंने कहा रगड़ दो, थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी। अभी मैं जिन्ना धो के आई हूँ और लाइट आ चुकी है, तो पहले यहाँ पे धो लेते हैं पशुओं के नीचे। यहाँ पे भी रोज़ ही धोना पड़ता है, घर वाले पे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, दूसरे वाले पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता, पर इस वाले पे बहुत सारे पशु बनते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा होता है, रोज़ ही धोना पड़ता है यहाँ पे। मेरे भी हाथ दुखने लगे थे, तो फिर मैंने इन्हें दे दी झाड़ू कि मैं पाइप लगाऊंगी, आप झाड़ू लगाओ। वैसे बोल भी रहे थे कि मेरा करा हुआ तुम्हारी पसंद तो आएगा नहीं, पर कर देता हूँ। पर मैंने कहा कि मेरी तो कमर में दर्द हो जाएगा जब सारे में ही मुझे धोना पड़ेगा। तो आज इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करवाई है धोने में। उधर गैली में तो इन्होंने ही धोया है, फिर इधर सारे में मैंने धुलवा दिया था। फिर मैं चली गई थी ऊपर क्योंकि खाना भी देखना था, और वैसे भी जब छोटा बच्चा होता है घर में तो उसके भी काम रहते हैं, तो और वैसे बीमार होकर वो चिड़चिड़ा सा हो गया, तो उसको भी रखना पड़ता है। तो इसी वजह से काम हमारा पूरा दिन बस ऐसा ही रहता है, कैसे कैसे ख़त्म होता है बस नहीं बता सकते। तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी की खीर। कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया, और अभी ये सूजी जो छान रखी थी वो भी डाल दी है इसमें। अब इसको भून लेते हैं, मखाने भी रख रखे हैं यहीं पर। जब ये थोड़ी सी ब्राउन सी हो जाएगी मखाने, तब ऐड करूँगी इसमें, नहीं तो फिर मखाने ज़्यादा भून जाएंगे, तो पहले सूजी को ही भून लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको भून रही हूँ, गैस तेज भी है और ये कढ़ाई भी बहुत भारी है, बहुत देर में गर्म होती है। तो इसको मैं जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक चलाती रहूँगी, नहीं तो नीचे लग जाएगी। जब ये गर्म होगी तब तो फिर जल्दी भून जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक कढ़ाई गर्म नहीं होती तब तक ही टाइम लगता है। थोड़ा सा घी मैंने और ऐड किया है क्योंकि अभी मखाने भी भूनने थे। सूजी हमारी ब्राउन ब्राउन सी हो चुकी है, इसके बाद मैंने इसमें मखाने ऐड कर दिए, और दूध भी छान के रखा हुआ है। तो जब ये भुन जाएंगे दोनों अच्छे से, तब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। ये कढ़ाई वैसे मुझे छोटी लग रही है, दूसरी करनी पड़ेगी इसमें। इसको भूनने के बाद, दूध डालने के बाद फिर दूसरी कढ़ाई मेरी तालूँगी। अभी तो मैंने फिर इसमें भून लिया था, और फिर मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में कर लिया था क्योंकि इसमें सारा दूध नहीं आ पा रहा था, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में कर लिया था। उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, भूल गई थी क्योंकि बहुत सारा काम फैला हुआ था। सब्जी बनानी थी, छोले बनाने हैं, अभी मिक्स सब्जी बनानी थी। अभी सबसे पहले छोले बना लेते हैं, वो तो मैंने नीचे जाने से पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, और तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया, और जो मैंने मसाले पीस रखे हैं लहसुन प्याज, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अदरक और लहसुन तो मैंने माम रिश्ते में ही कर लिया था, प्याज में मिक्सी में लाई थी करके, और टमाटर भी, आलू भी मिक्सी में ही पीस लिए थे। फिर पता नहीं चलता आलू का, जब मिक्सी में कर लेते हैं तो पता भी नहीं चलता कि छोलों में आलू है भी या नहीं। आज टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ पर
प्याज तो मैंने पहले ही डाल ली थी, अब मैंने यहाँ पे इसमें अदरक और लहसुन का वो भी डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया है, मिक्स सब्जी में डाल दूँगी। जब तक मसाले होंगे तब तक मैं इनको छोलों को मिक्स कर लेती हूँ। इधर चाय पत्ती रख दी है मैंने, पका के ही डालती हूँ मैं। वैसे इसमें छोले जब उबालते हैं उसमें भी चाय पत्ती को किसी सूती कपड़े में बांध के डाल सकते हैं, उससे भी कलर अच्छा आता है, पर मैं इसे उबाल के ही डालती हूँ। और छौंक मेरा हो चुका था, मैंने इसमें सारे मसाले भी डाल दिए, रंग वाली मिर्च भी, और ये टमाटर हैं पिसे हुए वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इनको पकने देते हैं थोड़ी देर। और ये अच्छे से हो चुकी थी इसकी ग्रेवी, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और आलू भी, जो आलू मैंने मिक्सी में कर लिए थे वो अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इनमें चाय पत्ती का पानी छान दिया और अभी इसमें छोले भी ऐड कर दिए हैं। छोले छौंकने के बाद अभी मैं इधर धूप में आ चुकी हूँ क्योंकि सर्दी लग रही थी वहाँ पे किचन में। यहाँ पे अब मैं सब्जी काटूँगी जो कि मिक्स है वो, और मोनिका कपड़े धुल लिए, मशीन लगा दी थी, कल नहीं कपड़े धुले थे तो मोनिका ने फिर मशीन लगा दी क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी थी, कल स्कूल जाएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बुआ जी आ गई थी तो बुआ जी मेरी हेल्प करवा रही है सब्जी कटवाने में। बुआ ने सोची इनका चक्कू तो बड़ा छोटा। सारे बच्चे भी आज काम पे लगे हुए हैं। देखिए अक्की यहाँ पे बर्तन साफ कर रहा है, वैसे धुले हुए हैं बस इन पे सूती कपड़ा फिरा रहा है, साफ करके रख रहा है क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा हुआ कि आज बच्चों की छुट्टी है, थोड़ी बहुत तो हेल्प करवा ही रहे हैं सारे के सारे। वैसे बच्चों ने काफ़ी हेल्प की है, अक्की ने ये बर्तन सारे कपड़ा लगा के इन पे साफ कर दिए और किट्टू पोछा लगा रही है। बुआ जी ने सब्जी कटवा दी मेरे साथ में मिलके, जिया बीबू को लेके बैठी हुई है धूप में। तो सारे बच्चे काम पे लगे हुए हैं आज, काफ़ी हेल्प करवा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कप रख दिए हैं धो के, और छोले भी बन चुके हैं, देखिए इतना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छे बने हैं। सबने ज़्यादातर छोले की सब्जी खाई है, इनको सबको यही पसंद आई थी, मिक्स सब्जी कम खाई सबने। तो अभी ये मिक्स सब्जी रह रही है, अभी इसमें छौंक लगा लेती हूँ। कुकर का के छोले मैंने पतीले में लिता लिए थे तो अभी इनको धोऊंगी, इन दो दो तीन तीन बार तो मैंने धुल लिए, एक बार और धोने पड़ेंगे अच्छे से। इधर जो है कढ़ाई रखी है थोड़ी ढकी, इसमें खीरा मखाने गिरी कोई, और ये देखो हमारे मुगे मसाला कटप्पा। बड़ी प्लेट तो मैंने ले लिया है, कैसा पानी मैंने बाल से भर देखो दिखाइए।
तुम बाल निकट जाओ यहाँ से। सारा खाना तैयार है, बस पूरी बची है, पूरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया और आटा भी बना के रखा हुआ है, तो ये गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें पूरी डालना स्टार्ट कर दिया है। मोनिका खाना परोसने में लगी हुई है, वो सारे बर्तनों में सब्जी खीर वो सब लगा रही है, और अभी पूरी हमारी बहुत ही फूली फूली बन रही है। चार पूरी मैंने गाय की निकाल दी है अलग, और कान्हा जी को भोग लगा के फिर कह देंगे, सब खा लेंगे गरम गरम, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा खाना, अभी तो गरम गरम है। यहाँ पे रायता भी तैयार कर दिया है, रायते में छौंक लगा दिया है, और इनको गिलास में करके अब सारे खाने को हम टेबल पे लगा रहे हैं। टेबल पे लग चुका है, अब मेहमान आ जाएंगे, वो खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर हम घर के सारे जो हैं, बच्चों को भी भूख लगी हुई है सब, पर बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, अब वो खाने का जिक्र नहीं करेंगे काफ़ी टाइम तक, तब तक मेहमान हमारे खाना खा लेंगे, फिर बच्चों को दे देंगे बाद में। यहाँ पे उठाया जा रहा है विभू देवा को। विभू विभू उठ जा रे, उठ जा, रात को पैर जागरण कर रहे हैं, रात को रो रहा है, क्यों सो रहा है, रात को रो रहा है। ये हैं भेल्ली के लड्डू, कुछ तो हमने बांट दिए हैं घर परिवार में पड़ोस में, और ये बचे हुए हैं, इनको बच्चे फिनिश कर देंगे स्कूल से आते ही, अब तो वो स्कूल गए हुए हैं। आप सब भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं, मुंह मीठा कर लीजिए सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, आप सब भी ठीक ठाक होंगे। वीडियो मैंने शुरू कर ली थी अपनी सुबह से ही, तो थोड़ी सी क्लिप ना मेरी कट भी गई, एक वीडियो तो मैंने डिलीट भी कर दी बिना देखे ही, और बाद में देखा मैंने एडिट भी कर रखी थी, वहाँ से भी फिर वो फिनिश हो गई फिनिश। तो फ्रेंड्स, आप सबके बहुत सारे कमेंट आए हैं कि लड़कियों की भेल्ली आती है, तो जी हाँ, हमारे यहाँ लड़कियों की भेल्ली आती है और लड़कों की भी, और अभी से नहीं, जब मैं हुई थी मेरी भी भेल्ली गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कों की आती है, लड़कियों की भी आती है, ऐसी बात नहीं है। और आप सब बोल भी रहे हो कि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलते हो, बेटी नहीं हुई बेटा हुआ है, तो मैंने बिल्कुल सच बताया था, बेटी ही हुई है, और हमारे यहाँ भेल्ली आती है, बेटियों की भी बेटों की भी दोनों की आती है। क्यों, जब हम खुशियाँ मनाते हैं बेटे की, तो बेटी की भी उतनी खुशी मनाते हैं, बेटी कुछ अलग थोड़ा ही है, बेटी बेटों से भी बढ़कर होती है, और माँ के लिए तो अपने सब बच्चे बराबर होते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करती। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने सोचा चलिए बता देते हैं कि बेटी की भी भेल्ली आती है और बेटों की भी भेल्ली आती है। तो हमारे यहाँ कल आई थी, वैसे ये वीडियो मेरी एक दिन लेट हो गई, क्योंकि कल ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी वीडियो नहीं जा पाई इसी वजह से, तो लेट हो गई। भेल्ली कल आई थी और इसकी वीडियो आप सबको मिलेगी कल। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर आप सबको कुछ शिकायत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वहाँ की वीडियो शूट नहीं करते हैं हम, उन्होंने मना किया, इसी वजह से हमने मेहमान जो आए थे उनकी वीडियो नहीं बनाई है, बस खाने पीने की ही बनाई थी।